अलवर की बहुचर्चित बालिका प्रताड़ित मामले में लोगों का रोष थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में पुलिस और जिला प्रशासन के विरोध में विभिन्न संगठनों की ओर से होप सर्कस पर धरना दिया गया। वहीं इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। इस दौरान एडीएम सिटी सुनीता पंकज को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर व्यापारी नेता राजकुमार गोयल, व्यापारी नेता अभय सैनी, सरदार वरियाम सिंह, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिलीप मोदी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज होप सर्कस से जिलाधीश महोदय को काले झंडे लेते हुए सर्व समाज के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने एक ज्ञापन देना राज्यपाल के नाम तय किया और आज हम सुबह होप सर्कस से चलकर मुख्य बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और आज ज्ञापन दिया गया है। कल नंगली सर्किल पर विरोध स्वरूप हमने कैंडल मार्च रखा था और कल पूरी तरह से अलवर को बंद करने का निर्णय व्यापार मंडलों ने ले लिया है कि हम इस मूक बधिर बच्ची को न्याय ना मिलेगा जब तक इस संघर्ष समिति का पूर्ण सहयोग करेंगे। उसी सहयोग के तहत कल शहर पूरी तरह से बंद रहेगा, यह निर्णय।